आज के कार्यक्रम के क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, मेरा नाम नीरज चौहान है, मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आज यहाँ पर हमने हिंदू दिवस के उपलक्ष्य में हिंदू महापंचायत के कार्यक्रम को बुलाया था और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप देखिए, जगह जगह हम जब देखते हैं तो कोई गाय बचाने की बात कर रहा है, कोई गंगा बचाने की बात कर रहा है, कोई मंदिर बचाने की बात कर रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि गाय, गंगा और मंदिर बचा के करोगे क्या, जब हिंदू ही नहीं बचेगा? क्योंकि ये गाय की पूजा कौन करेगा? हिंदू करेगा। गंगा की कौन अपनी माता मानेगा? हिंदू करेगा। मंदिर कौन बचाएगा? हिंदू बचाएगा, हिंदू जाएगा उसमें। देखिए, आज के कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य ये है कि देश के अंदर 5 कानून बनने चाहिए। जब तक ये 5 कानून नहीं बनेंगे, देश की 70% समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उसमें सबसे पहला कानून जो हमारा है, समान शिक्षा का कानून, कि इस देश के सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए हमारा। इसके अंदर जो दूसरा कानून है कि सबके ऊपर एक समान सिविल नागरिकता का कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि जब देश में क्रिमिनल कानून एक है तो सबके लिए समान कानून एक जैसा होना चाहिए। हमारा तीसरा कानून है घुसपैठ नियंत्रण का, कि देश के अंदर घुसपैठ नियंत्रण पूरी तरह से बंद होना चाहिए। चौथा कानून है हमारा धर्मांतर नियंत्रण का, क्योंकि आज की स्थिति इतनी बिगाड़ हो चुकी है कि आप ये देखिए, आज बहुत तेजी से देश में धर्मांतरण किया जा रहा है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, लोगों को लालच दिया जा रहा है, लोग अपनी इच्छा से नहीं कर रहे धर्मांतरण। तो इसलिए धर्मांतर नियंत्रण एक प्रॉपर कानून चाहिए। किसी को अपने धर्मांतर करना है तो अपनी पूरी समझ के साथ करे, सिर्फ उसको मूर्ख बना के ना करें। मेरा पाँचवा बता दूँ, पाँचवा कानून है हमारा इसके अंदर देवस्थान मुक्ति का, कि आज भी हमारे बहुत से ऐसे स्थान हैं जिनको क्या कहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई, तो उनकी मुक्ति की जाए। देखिए, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकारें जो होती हैं ये किसी की नहीं होती, ये सरकारें उसकी होती हैं जो उनको वोट देता है। अभी वर्तमान में जो हिंदू समाज है वोट तंत्र में शामिल नहीं है। जिस दिन हिंदू समाज शामिल होगा तब ये सरकार हिंदू की होगी, अभी ये कहना बिल्कुल गलत है। वर्तमान की सरकार जो है, मोदी खुद कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो ये कहना गलत है कि हिंदुओं की सरकार है। हम नहीं मानते कि हिंदुओं की सरकार होती तो अब तक जिन 5 कानूनों की मांग करी है वो 500 कानून बन चुके होते देश की सुरक्षा के लिए। देखिए, जब तक ये कानून नहीं बनेंगे चरण लगातार चलते रहेंगे। आज दूसरा चरण है और हम सरकार से आज अपना एक ज्ञापन देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वे इसके ऊपर जल्द से जल्द कानून बनाए। अगर कानून नहीं बनाएंगे तो उसके बाद तीसरा चरण करेंगे। जब तक कानून नहीं है चरण हमारे लगातार चलते रहेंगे।